हम तो कभी ठंडा भी नहीं पीते हैं, तो पैकारी की तो बात ही बहुत दूर है। एक महिला को वो अगर इस टाइप से अभद्र भाषा से बात करते हैं, तो ये उनकी अपनी सोच है और उनके विचार है। शर्म आनी चाहिए इस तरह से कोई टिप्पणी करे। अब कोई बाथरूम साफ करने से काम पर चलता हो और फोटो खिंचाने से। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे न कोई दबा सकता है न झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। रीवा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आज लव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। इस दौरान उनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व विधायक मऊगन सुखेन सिंह बन्ना, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने कहा कि इस बार रीवा लोकसभा में परिवर्तन की लहर है और जिस प्रकार से वर्तमान सांसद बयानबाजी कर रहे हैं वे बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान एक भी बार जनार्दन मिश्रा द्वारा सदन में प्रश्न नहीं उठाया गया, न ही रीवा की जनता के लिए कुछ काम किए गए। अगर टॉयलेट साफ करने से काम चलता है तो इसके बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं कांग्रेस पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने कहा कि जनता जनार्दन इस बार उनके साथ है और परिवर्तन की लहर दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा उनके ऊपर जो शराब पैकारी का आरोप लगाया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किसी महिला के बारे में किसी भी जन प्रतिनिधि को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह उनकी सोच है और वह इसका जवाब दे सकते हैं। नामांकन दाखिल किया है, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है? देखिए, अभी हमारे भाई साहब ने आपको बता दिया है कि जो अभी आपके तत्कालीन सांसद जी रहे जनार्दन मिश्रा जी, उनके द्वारा एक भी किसी भी प्रकार की कोई मदद जनता के लिए नहीं की गई, ना ही उन्होंने सदन में कभी अपनी बात रखी। तो मेरे ये मुद्दे रहेंगे कि मैं जनता के हित में जो भी कार्य होंगे सबसे पहले वो मुद्दे उठाऊंगी, और हमारे यहाँ जो भी रोजगार की, किसानों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इस सब में मेरी पहल रहेगी। दो बार के सांसद हैं, तीसरी बार के फॉर्म भरे हैं, वो आपके सामने है, तो क्या मांगते हैं, कितनी टक्कर हो सकती है? अब हो गया, ये जनता जनार्दन बताएगी कि क्या टक्कर होगी, और हम सब तो पूरी कोशिश के साथ लगे ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन की लहर है और हमें जरूर सफलता मिलेगी। का कहना है कि शराब पैकारों को जनता वोट नहीं देगी। अब हो गया, वो उनके विचार हैं, अब ये उनके विचार हैं, इसमें अब हम लोग क्या कह सकते हैं। एक महिला को वो अगर इस टाइप से अभद्र भाषा से बात करते हैं, तो ये उनकी अपनी सोच है और उनके विचार है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग पत्रकार हैं तो पता कर लीजिए कितने मामले हैं। हम तो कभी ठंडा भी नहीं पीते हैं, तो पैकारी की तो बात ही बहुत दूर है। हो गया, उनको करने दीजिए, करने से क्या होता है, जनता भी जानती है। उनकी बातें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। रीवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इस बार परिवर्तन की लहर है। वर्तमान सांसद ने क्या किया या नहीं किया, लेकिन संसद पहुंचने के बाद भी उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाई, ये चर्चा का विषय है गांव में। नीलम जी हम लोगों की तरफ से उम्मीदवार हैं, विधायक रह चुकी हैं, और हम सब लोग उनके लिए जी जान लगाकर पार्टी को जिताएंगे। बीजेपी प्रत्याशी ने पैकारों की पार्टी कहा, कांग्रेस काहे की पार्टी, पैकारों की पार्टी है, इनको वोट नहीं देगी जनता। ऐसा है, वो किसकी छत्रछाया में रहते हैं मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन से माफिया हैं वो लोग, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन शर्म आनी चाहिए इस तरह से कोई टिप्पणी करे। आपने कहा क्या है कि इस बार लोग परिवर्तन? देखिए, लोकसभा में जो उम्मीदवार जीत के गए उन्होंने क्या दिया, लोकसभा में बोले भी तक नहीं। अब कोई बाथरूम साफ करने से काम पर चलता हो और फोटो खिंचाने से, तो अलग बात है। इसलिए परिवर्तन व्यक्ति के विरोध पर पार्टी उतरेगी या फिर सरकार के विरोध पर? हम भाजपा के विरोध पर, कोई व्यक्ति विरोधी। धन्यवाद। रीवा से हमारी रिपोर्टर विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।